लारा पहुँचे हैं हम लोग। ये यात्रा चल रही है 16 अक्टूबर से, जो चली थी अगरतला से। ऐसे ही हम लोग दिल्ली तक पहुँचेंगे, गाजीपुर, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ होते हुए फिर दिल्ली पहुँचेंगे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को खाने के प्रति, सही खाने के प्रति जागरूकता फैलाना, ताकि स्वस्थ एक स्वस्थ भारत की जो परिकल्पना है वो मूर्त रूप में लाया जा सके। लोगों का संदेश क्या देना चाहते हैं? ईट राइट, जैसे हम लोग स्लोगन्स भी अपने यहाँ पे बोल रहे हैं, ईट राइट और थोड़ा कम नमक, चीनी, तेल थोड़ा कम। और दूसरा है, एक नया कॉन्सेप्ट जो लाया गया है वो है फोर्टिफाइड फूड का। जैसे आप जानते होंगे कि आयोडीन का जो चलन शुरू हुआ था नमक में, तो उससे घेंगे की बीमारी का में कमी आई थी। उसी प्रकार हमारे यहाँ एक एनीमिया का एक बहुत बड़ा ये है कि सब लोग एनीमिक होते हैं, तो उस फोर्टिफिकेशन के द्वारा नमक में आयरन की भी मात्रा या 5 पदार्थों को अभी फोर्टिफाई करने का ये निर्णय लिया गया है, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक। तो इसमें विटामिन्स, आयरन ऐड करके ये, जिससे कि आयरन डिफिशियंसी वगैरह, लोगों को बताना चाहते हैं कि नमक कम खाएं। हाँ, नमक कम खाएं। इसके लिए हमारा जो साथ में हमारी एक टीम चल रही है जो बताती है कि नमक, चीनी, तेल कम खाएं, वीडियो के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है। साइकिल यात्रा चल रही है, इससे लोगों में जागरूकता है कि ये जो सर साइकिल यात्रा है, जो यात्री हैं वो आपकी टीम के लोग होते हैं कि यहाँ के निजी लोग? नहीं, यहाँ के लोग होते हैं। NCC कैडेट्स इसमें भाग ले रहे हैं, कई जगह SSB के लोग भी भाग ले रहे हैं। इसके साथ साथ लोकल जो जनता है यहाँ पे वो भी पार्टिसिपेट कर रही है इसमें। यात्रा कहाँ तक जाएगी? ये दिल्ली तक जाएगी। कब खत्म होगी? 27 जनवरी। ये तो अभी शहरी क्षेत्र में हो रहा है, देहात के लोगों के लिए क्या? इसी के लिए तो मीडिया है ना। अब ये संभव नहीं है कि हर एक गांव में और ये जा कर के हम लोग ये मैसेज फैला सकें। एक इसका दूसरा चरण भी शुरू होगा, जब ये पहला चरण जो ख़त्म हो जाएगा ना 27 जनवरी को, तो दूसरा चरण भी शुरू होगा जिसमें कि हर डिस्ट्रिक्ट वगैरह में एक स्वास्थ्य मेला टाइप का चीज़ आयोजन किया जाएगा। पहले तो देहात में ही फैलाना जरूरी था। हाँ, तो देहात हम लोग साइकिल से चल रहे हैं तो बीच में गाँव भी तो आ रहे हैं, वहाँ पर भी रुक रुक के हम लोग एक्टिवेशन करते हैं, लोगों को बताते हैं वहाँ पर। क्या लोग रुचि? हाँ, बहुत उत्साहित हैं लोग और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ के प्रभात फेरी में शेखपुरा में था, शेखपुरा, मुंगेर, हुजूम था वहाँ पे लोगों का, बच्चे भी आ रहे हैं उसमें भाग ले रहे हैं। और प्रभात फेरी में मैंने इतना भीड़ नहीं देखा था। ये 15 अगस्त, 26 जनवरी में जिस तरह से भीड़ होता है ना, उस तरह से लोग आ रहे हैं इसमें। पूरा अपना नाम बता दीजिए। प्रफुल्ल रंजन, डिप्टी डायरेक्टर FSSAI। कर्नल साहब, रेडी सभी लोग, ईट राइट करते हुए निकलिए। ईट राइट, इधर आइए। चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलिए ठीक है, वहीं रहिए। चलो बढ़ो, अरे बढ़ो, चलो 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 चलो, चलो बढ़ो। रुक जाओ आप लोग। क्या सिखाया था तुम्हें? अरे इंडिया, Right India.
ईट राइट इंडिया।